ये पूरा मामला ये है कि रीट की भर्ती कराई थी राजस्थान सरकार ने, जिसमें L1 में करीबन 15,000 विद्यार्थियों को उन्होंने जॉइनिंग दे दी थी। उसके बाद भी करीबन ऐसे 3,000 विद्यार्थी थे जिनकी नियुक्ति के उन्होंने आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन आचार संहिता के चलते उनकी जॉइनिंग नहीं हो पाई थी, जिनके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट से लेके स्कूल मिलने तक का सारा काम उनका कंप्लीट हो चुका था। लेकिन जब आचार संहिता का छात्रों ने इंतजार भी किया आचार संहिता हटने के बाद में, तब छात्रों को पता लगा कि अब ये जो अधिकारी है ये हमें जॉइनिंग नहीं दे रहे हैं। उसको लेकर छात्रों ने लगातार बीकानेर के चक्कर काटे। आज छात्रों का ये दूसरा दिन है शिक्षा संकुल में। मैं लगातार छात्रों के साथ में हूँ इनकी मांगों को लेके, क्योंकि छात्रों की जब पीड़ा होती है तो हमें भी तकलीफ होती है। आज दो दिन हो गए छात्रों को शिक्षा संकुल में, और यहाँ के जो अधिकारी है उनके कानों पर जूने रेंग रही है। लगातार छात्र यही बात कह रहे हैं कि हमारा कसूर क्या है, 5 साल हमने तैयारी करी, तैयारी करने के बाद में हमें नौकरी मिली है, यहाँ के अधिकारी कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि इनकी जॉइनिंग को हमने क्यों रोका है, कोई भी इनके पास में बात नहीं है कहने को लेके। ये शिक्षा संकुल के अधिकारी कह देते हैं कि बीकानेर निशाला के अधिकारी वजह शुरू किए, वो कह देते हैं इनकी वजह शुरू किए। मैं पूछना चाहता हूँ इन अधिकारियों से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप छात्रों से कुछ कह नहीं पा रहे हो। तो हमारा सीधा सवाल है शिक्षा संकुल के जो जिला अधिकारी है उनसे कि छात्रों को आपने किस प्रकार से इनकी जॉइनिंग रोकी है, इनको जवाब दीजिए। जब तक छात्रों की जॉइनिंग के आदेश नहीं होते हैं हम जाने वाले नहीं है। हमारी मांगों को लेकर हम खड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि ये छात्रों को परेशान किया गया है सिस्टम की खामियों के कारण से, अधिकारियों की गलती के कारण से उनकी सजा छात्रों को भुगतनी पड़ रही है। जयपुर वाले कहते हैं बीकानेर के चक्कर, बीकानेर का कोई फॉल्ट है, बीकानेर वाले कहते हैं जयपुर की तरफ से फॉल्ट है। आखिर मामला क्या, कहाँ पर पेचीदा जो है, जो मामला पूरा फंसा हुआ है? यही बात छात्र समझना चाहते हैं, आखिरकार में मामला फंस का रहा है, ये तो उन पर डाल देते हैं, वो उन पर डाल देते हैं। हम भी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार में गलती किसकी है, और गलती जिसकी भी है हमें मतलब नहीं है। छात्रों को जॉइनिंग चाहिए, छात्रों को जॉइनिंग मिलनी चाहिए। छात्रों की जो गलती है उसको अधिकारियों की वजह से ये छात्र क्यों भुगते हैं? ऐसे छात्र हैं जो अभी भर्ती से 3,000 छात्र है जिनकी जॉइनिंग रुकी हुई है, तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं दो दिन से। हमने हर जगह संघर्ष किया है, कर्मचारी चयन बोर्ड भी गए, वहाँ भी उन्होंने कहा कि हमें हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारी गलती नहीं है, गलती है तो अधिकारियों की है। आप लगातार चक्कर लगा रहे हैं, क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है? कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा है। दो अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इधर से उधर घुमाने का प्रयास करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं लेकिन अब हम नहीं जाएंगे कहीं भी, हम एक ही जगह बैठना चाहते हैं। सीधी सी बात यह है, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है। बोर्ड का और कोर्ट का कोई मैटर है तो हमारा किसी से क्या मैटर है? कर्मचारी चयन बोर्ड पर जब हम गए थे तो अध्यक्ष साहब ने बिल्कुल कहा है हमारी तरफ से आपकी अभिशंसा हो चुकी है। तो जब हमारी अभिशंसा हो चुकी है तो फिर हमारा लेना देना कहाँ है? जब हमको वो रोक ही नहीं रहे, वो नहीं रोक रहे, जब हमारा वहाँ मैटर नहीं रहा, हम निदेशालय पहुँच गए तो हमको नियुक्ति क्यों नहीं मिलती है? हमें 2 महीने हो गए हम आचार संहिता का इंतजार करते करते, तो अब हमें नियुक्ति चाहिए। ये अधिकारियों की लापरवाही, मौखिक टिप्पणी की वजह से गलत आदेश निकाला गया है। अब हम चाहते हैं उसकी ये सुधार करें, उसकी अपनी भूल को, हमें कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समीक्षा करें। हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम किसी प्रकार किसी से कोई दबाव, किसी से प्रकार हम कोई अहिंसा नहीं फैला रहे, हम अपने प्यार से बात करते हैं। जो मांग है, जायज मांग की बात यहाँ अभ्यर्थी कर रहे हैं, कुछ और अभ्यर्थी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ मामला है और कब से आप चक्कर लगा रहे हैं? सर हमें हमारे साथ वाले 2.5 महीने पहले ज्वाइनिंग कर चुके हैं और हमें बिना किसी गलती की सजा दी जा रही है। हमें ये भी नहीं बताया जा रहा कि हमारी गलती क्या है, हमें क्यों रोक रहे हैं। सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हमें ये सजा भुगतनी पड़ रही है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी ज्वाइनिंग चाहिए। सर हमारी हमें नियुक्ति चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, चाहे कैसे भी करके हमें नियुक्ति दो, अब हमें और टाइम नहीं चाहिए। कुछ और अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी भी लगातार यहाँ पर है और अपने जो मांगे हैं वो शायद सरकार तक पहुँचाने की कोशिश। सर कोर्ट का जो आदेश है, सर कोर्ट का वो आदेश केवल रेस्पोंडेंट के लिए है और उसको पूरी भर्ती भी लागू करके अधिकारियों के द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है। हमारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, फिर भी अधिकारी अपनी मन मर्जी करने पर तुले हुए हैं और हमें बेवजह परेशान किया जा रहा है, और हम नियुक्ति के लिए दर दर भटकने को तैयार है। हमें झूठे आश्वासन भी नहीं, मतलब झूठे आश्वासन देके फालतू में परेशान किया जा रहा है। यहाँ से बीकानेर भेजा जा रहा है, बीकानेर वाले यहाँ भेज के हमें फालतू में परेशान किया जा रहा है। हमारी नियुक्ति पर कहीं से भी कोई रोक टोक नहीं है, ना कोई ऐसा लिखित आदेश है। हमारी मैटर ये है कि निदेशालय ये कह रहा है कि जो पेज फंसा है वो शिक्षा संकुल से जो नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग है। कोर्ट ने कहा है कि यथास्थिति बनाए रखी जाए। यथास्थिति वही है कि जो याचिकाकर्ताएं हैं, जो याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई है उसी के पक्ष में फैसला आया, तो रोड मैप क्या बोर्ड से उन्होंने जवाब मांगा, तो पार्टी बोर्ड
और याचिका करता है। इसमें जो जिन्होंने जिनको विद्यालय आवंटन हो चुका है वो तो चयनित हो गए विद्यार्थी। अब जो याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला आता है तो बोर्ड ने बद उनके रिजर्व करके रखे होंगे, उनसे उनका फैसला मिल जाएगा, उनको नियुक्ति मिल जाएगी। तो जिनको विद्यालय आवंटन हो गए उनको क्यों रोका गया है? उनमें से पद तो निकलने हैं नहीं वापस। अगर बोर्ड ने कुछ ना कुछ तो पद रिजर्व करके रखे होंगे, कुछ ना कुछ पद रिजर्व रहते ही हमेशा हर भर्ती में। तो अगर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला आता है तो बोर्ड और याचिकाकर्ता निपटेंगे। इसमें हम अभ्यर्थी, बेरोजगार अभ्यर्थी 3 महीने से धक्के खा रहे हैं। दूसरी चीज़, आचार संहिता जो थी उसका हवाला दिया गया, बाहरी राज्य का हवाला दिया गया, अब दोनों चीज़ें निपट गई है। बोर्ड निदेशालय कह रहा है कि हमने आपकी डिग्री सब वेरीफाई कर ली है। बोर्ड कह रहा है कि हमारा काम है भर्ती करवाना, हम भर्ती एजेंसी है, हम जो भी उम्मीदवार चयनित होते हैं उनकी लिस्ट बीकानेर निदेशालय पहुँचा देते हैं। बीकानेर निदेशालय का काम है उनको नियुक्ति प्रदान करना। और शिक्षा संकुल कह रहा है कि हमने यहाँ से नोटिस जो कोर्ट ने दिया था वो भेज दिया। तो शिक्षा संकुल को जो नोटिस है वो बोर्ड को भेजना चाहिए था कि आपका पक्ष में वकील उतारो और दोनों पक्ष का जो भी फैसला आता है वो मान्य होगा। तो जो रिजर्व पद है उससे नियुक्ति मिलेगी, जो चयनित अभ्यर्थी है जिनको विद्यालय आवंटन हो चुका है 3 महीने पहले, वो धक्के क्यों खा रहे हैं? हमारा यही मांग है। हम 3 दिन से जयपुर में पढ़ा, ये हम 3500 से 3000 लोग हैं। 3 दिन से हम जयपुर में पड़ाव डाले हुए हैं। कल पूरा दिन हम बोर्ड के कार्यालय में थे, आलोक जी सर जो अध्यक्ष है हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के, उनसे मिले, हमने उनसे वार्ता की और उन्होंने कहा कि हमने अपनी पूरी लिस्ट है वो बीकानेर निदेशालय चयनित अभ्यर्थियों की वहाँ भिजवा दी है। और यहाँ आए शिक्षा संकुल में हम लाठा जी जो सारे विधि अधिकारी हैं उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन हमारा उनसे कोई प्रत्यक्ष रूप से संपर्क। सचिवालय में किसी बड़े अधिकारी आईएएस से बात हुई है? नहीं, सचिवालय में हमारे अभी कोई ऐसी वार्ता नहीं हुई है। हमारे कोशिश की थी हमने, लेकिन वहाँ कोई मिले नहीं। यहाँ हम लाठा जी से कल से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। सर से संपर्क अभी तक हमारा नहीं हो पाया है, प्रत्यक्ष रूप से हमने उनसे कोई वार्ता नहीं की है। हम चाहते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटा के 1-2 दिन में हमें नियुक्ति आदेश बीकानेर से जारी करवा। हम मानसिक रूप से सब में अवसाद में हैं। 3-4 महीने से हमारे साथी जो थे वो सभी 3-4 महीनों से विद्यालय में कार्य ग्रहण कर चुके हैं। उनकी 3-4 महीनों से सैलरी आनी स्टार्ट हो गई है। हम 5 साल से रेट की तैयारी कर रहे थे, 5 साल में एक भर्ती कंप्लीट हुई है। हम 5 साल से तैयारी कर रहे थे, अभी ज्वाइनिंग मिलने मतलब हमारी भर्ती कंप्लीट होने के बाद में भी हम मानसिक रूप से 3 महीने से अवसाद में। कुछ और अभ्यर्थी भी है क्या, कुछ आश्वासन अभी तक मिला है? सर हम यूँ जहाँ पे ये पूरे लड़के जो दिखाई दे रहे हैं ये लेवल फर्स्ट के हैं, जो पीड़ित है नियुक्ति से वंचित है, किसी का जिला आवंटन हो चुका है, किसी की नियुक्ति कार्य ग्रहण आचार संहिता लगने की वजह से कार्य ग्रहण नहीं कर पाए। तो सर हमारा दोष क्या है? जब कोर्ट का और क्यूशन मामला चल रहा है तो वो बोर्ड का और उनका है, कोर्ट का। हमारा मामला है बीकानेर निदेशालय का नियुक्ति देने का, तो हमारे ऊपर तो कोई कोर्ट ने ऐसा मेंशन नहीं किया कि हमारी नियुक्ति रोकी जाए। तो हमारे को बोर्ड अधीनस्थ बोर्ड ने भी हवाला दे दिया कि हमने आपकी लिस्ट भेज दी, अभ्यर्थना तैयार करके नियुक्ति के लिए भेज दी। तो बीकानेर निदेशालय और हमें शिक्षा संकुल से गुमराह किया जा रहा है कि हमने कोई टिप्पणी नहीं की। अगर यहाँ से टिप्पणी नहीं की तो बीकानेर निदेशालय हमें इनका हवाला दे रहा है, ये उनका हवाला दे रहे हैं, तो हमारे को इस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है। तो हमें आपसे ये निवेदन है कि हम यहाँ जब तक धरना अनिश्चितकालीन तक रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती और हमें जब तक नियुक्ति नहीं प्रदान की जाती, इसके संबंध में बीकानेर निदेशालय से जब तक लेटर नहीं निकलता तब तक हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे।